बढ़ती नाम के सियार को ये दो चीते घेर लेते हैं। तभी बढ़ती चीतों को बोलता है, चीता भाई आपने ऐसे बदतमीजी के साथ मुझे क्यों रोका, कम से कम थोड़ी इज्जत के साथ रोक देते। ये सुनकर दफ्तर नाम का ये चीता बोलता है, अबे साले हरामखोर, पहले तो तू हमें ये बता कि तू हमारे इलाके से दुबकता हुआ क्यों जा रहा था। तभी बढ़ती बोलता है, देखिए चीता भाई, मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी ने घेर लिया है, उसी वजह से मेरी चाल बिगड़ गई है। ये सुनकर दफ्तर बोलता है, कोई बात नहीं सियार के बच्चे, आज हम तेरी चाल को ठीक कर देंगे, अब तू जल्दी से खड़ा जाओ, ठीक से चलकर बता। दफ्तर के कहने पर बढ़ती खड़ा हो जाता है और चलने के बजाय भागने लगता है। तभी सट्टा नाम का ये चीता बढ़ती को पीछे से थप्पड़ मारता है और उसको लेटा देता है। दरअसल काफी देर तक बढ़ती और चीतों का खेल ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि चाल चलन की आड़ में चीते बढ़ती पर अत्याचार करने लगते हैं और ये बात बढ़ती समझ जाता है, इसलिए वह अपने आप को बचाने के लिए झाड़ियों में घुस जाता है।